ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? यस यू आर राइट, इंडेफिनिट मींस जो पता नहीं कब तक चलता रहे, राइट, क्लियर ना हो जिसके बारे में, विच इज नॉट, टाइम इज नॉट क्लियर कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लक्ष्य कॉलेज जाता है, तो वी आर नॉट कंफर्म अबाउट द टाइम एक्चुअली कि कब से वो स्टार्ट हुआ है, कितने सालों से जा रहा है, कब तक जाता रहेगा। सो दैट इज वाई द नेम इनडेफिनेट टेंस। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो कब से घूम रही है, कब तक घूमती रहेगी, सो इट्स एन इनडेफिनेट प्रोसेस। सो इसलिए हम इसको इनडेफिनेट टेंस कह देते हैं। जो हमारे रूटीन्स के हैं, डेली रूटीन्स के, वो भी, या यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, वो भी इनडेफिनेट टेंस के अंदर आ जाते हैं, राइट। चलो अब इसमें, हाँ मैंने कहा था कि हमने 5 गोल्डन स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई भी जब हम टेंस को कन्वर्ट करना है, 5 स्टेप्स का खास ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहला स्टेप है कि पहचान, हमें पता कैसे चलेगा इट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है? ता है, ते है, ती है, ते हो, ता हूं, ती हूं, कि किसी के पीछे, व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब क्या है। बेसिकली अगर देखिए जैसे, तो इस एग्जाम्पल लो, इस सेंटेंस की लक्ष्य कॉलेज जाता है, हमने लास्ट के 2 वर्ड्स देखने हैं, इन 2 वर्ड्स को हमने देखना है, और इसके एंड में अगर आप देखोगे तो क्या लगा हुआ है, ता है। सो दैट्स व्हाई ये हमारी निशानी होगी। जैसे अगर हमें ऐसा सेंटेंस आता है जिसके पीछे ता है या ती हूं या ती है लगा हो, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के या सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस। सो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने पहचान कर ली कि लक्ष्य कॉलेज जाता है ये कौन सा टेंस है, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप फॉलो करना है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, अभी हम इस सेंटेंस को लेके चल रहे हैं, आपने इसी सेंटेंस की तरफ ध्यान देना है। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट जो सेंटेंस है, उसमें से हमने सेकंड स्टेप में सब्जेक्ट निकाल लेना है। सो सब्जेक्ट का मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में या एक वाक्य में जो काम कर रहा हो उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं। सो इसमें लक्ष्य कॉलेज जाता है, तो काम लक्ष्य कर रहा है, एक्शन लक्ष्य कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। तो हमने सब्जेक्ट को निकाल लिया। उसमें हमारा जो स्टेप थ्री में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, या मैं है यानी कि आई है यानी मैं है, या प्लूरल है, ये बहुवचन है। अब आप ये बोलोगे कि हाँ मैं जो है वो भी तो एक वचन ही है, उसको इसमें लेके चलना चाहिए, बट इसको हमने अलग इसलिए रखा है, एक वचन ही है, बट हमने इसको अलग इसलिए रखा है कि जो आई है वो कभी सिंगुलर यानी कि एक वचन के रूप ले लेता है, और कभी प्लूरल बहुवचन के रूप ले लेता है, इसलिए हमने इसको मिडिल में, शरारती वचन होते क्लास में, आप भी शायद शरारती रहे होंगे, तो उसमें क्या कि शरारती बच्चा कभी एक डेस्क पे कभी दूसरे डेस्क पे, उसमें टीचर क्या करती है उसको एंड में मिटा देती है, अलग कर देती है, तो इसलिए हमने इसको अलग कर लिया है। सो दैट कि हम इसके हमारा ध्यान रहे। अब हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 पहचान कर ली, स्टेप 2 हमने सब्जेक्ट निकाल लिया, स्टेप 3 में हमने क्या देख लिया, सब्जेक्ट हमारा जो लक्ष्य, हम इस तरफ आ गए, 3 गलियां बना ली हमने, एक सिंगुलर की, एक आई की, और एक प्लूरल की। अब हम सिंगुलर वाली गली में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे लक्ष्य लिख लेंगे कि लक्ष्य हमारा जो है वो सिंगुलर है। अब हमारा स्टेप फोर में हमने किस चीज का ध्यान रखना है, हमने किया था कि कुछ सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं, तो हमें देखना है कि ये जो सेंटेंस है जिसकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, बताइए ये कौन सा सेंटेंस है। हाँ बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, यस यू आर राइट, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। सो हम अब देखें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होता, जैसे ये वाला होता जिसमें नेगेटिव है, तो हमें ये यहाँ नहीं रुकना था, हमें ये नेगेटिव यानी कि हमें यहाँ पे रुकना था, मैंने साइन दे रखा है इसको नेगेटिव का, सो यहाँ पे रुकना था। चलो अब हमारा ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है कि लक्ष्य सिंगुलर है, इस गली में आ गए, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो रूल लगा हुआ है हम वो लगा देंगे। अगर यही होता मैं कॉलेज जाता हूं, तो फिर हमारा सब्जेक्ट मैं हो जाना था और सेंटेंस फिर भी पॉजिटिव था, हमने इधर आ जाना था और ये वाला सेंटेंस लगा देना था रूल, राइट। चलो अभी हम ये लेके चले, यहाँ पे लक्ष्य शुरू में आ गया, तो लक्ष्य हमारा सब्जेक्ट है, मैंने बताया था सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट,
सबसे पहले लक्ष्य आ गया, उसके बाद हमने ये रूल लगाना, रूल क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है। लक्ष्य कॉलेज जाता है, जाने की इंग्लिश क्या होगी वो, कोई इसमें इज मार वार वार कुछ नहीं लगना, जो रूल दिया गया एज इट आपने वही लगाना है। सो लक्ष्य सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया, बट इसमें क्या है कि वर्ब जो है वो अकेला नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा ई एस लग जाएगा। सो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके पीछे ओ हो उसके साथ अकेला एस या आई एस नहीं लगता, उसके साथ ई एस आपके बंद करके लगा दो, ठीक है, ये रूल है ग्रामर का। सो लक्ष्य गोज टू कॉलेज, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लक्ष्य कॉलेज जाता है, लक्ष्य गोज टू कॉलेज। अब यही लक्ष्य की जगह होते मैं कॉलेज जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, अगर ये हो जाए, अब हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, अब हमारा सब्जेक्ट लक्ष्य नहीं है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो अब हम क्या लगा देंगे आई। अब आई के केस में सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आई के केस में पॉजिटिव के कौन सा रूल है, ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यानी कि हम इसमें से ई एस निकाल देंगे, इसमें अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, आई गो टू कॉलेज रह जाएगा, ठीक है। सो अगर हम प्लूरल देखें तो प्लूरल के केस में क्या है, जैसे अगर हम मैं की जगह कर दें हम कॉलेज जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, अगर हम ये कर देंगे अब हम कॉलेज जाते हैं, तो हम कॉलेज जाते हैं तो सब्जेक्ट अब आपका क्या हो गया, हम की क्या इंग्लिश होती है, यस यू आर राइट, हम मीन्स वी, अब क्या हो जाएगा वी, अब हम किस तरफ आ जाएंगे, हम इस वाली गली में आ जाएंगे प्लूरल वाली गली में, तो वही हमारा यहाँ पे स्टैंड करेगा प्लूरल वाली गली में। तो प्लूरल में भी क्या है कि प्लूरल में भी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो। सो क्या हो जाएगा वी गो टू कॉलेज, कोई एस ई एस उसके साथ नहीं लगना, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंगुलर हो तो एस ई एस लगना है, आई या प्लूरल हो तो एस ई एस नहीं लगना, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अब इसमें एक चीज नोट करो, आई किसके रूल ले रही है, इस पर्टिकुलर टेंस में आई प्लूरल के रूल ले रही है, जो रूल प्लूरल के वही रूल आई की है, ठीक है, इसलिए हमने आई को सेपरेट किया था। ओके, दिस इज इन केस ऑफ पॉजिटिव, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, जैसे अब हम सेकेंड सेंटेंस ले लेते हैं, मैं मैच नहीं खेलती हूँ, तो ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अब मैं पहले, सबसे पहले मैं का देखें, मैं से पहले हम ये वाला दे लेते हैं, सिंगुलर कर लेते हैं कि चलो वह मैच नहीं खेलती है, वह मैच नहीं खेलती है, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नहीं खेलती लड़की है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया शी। ओके, तो शी हो गया, अब शी क्या है, सिंगल है, हम वापस सिंगल वाली लाइन में आएंगे, बट अब हम यहां पे नहीं रुकेंगे, इस स्टॉप पे नहीं रुकेंगे, इस चौक को हम क्रॉस कर लेंगे, हम कहाँ रुकेंगे, इस वाले चौक पे रुकेंगे, बिकॉज हमारा सेंटेंस क्या है नेगेटिव है, तो रूल नेगेटिव के यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अब क्या हो जाएगा शी, शी के बाद क्या लग जाएगा डज नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू कॉलेज। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब था तो एस सी एस लगाने को बोला था, बट यहाँ भी नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि जो हमारी एक वर्ब की फॉर्म होती है डू डिड डन, आपने की होगी डू डिड डन, तो डू क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म, सो हमने डज कैसे बना, डू प्लस ईएस को मिला, यानी कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस ऑलरेडी इसमें मिला दिया, डू प्लस ईएस कैसे बना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, तो इसलिए दोबारा यस नहीं लगेगा, इस पर खास ध्यान रखना है। सो शी डज नॉट गो टू कॉलेज, अब यही ये तो हो गया सिंगुलर के केस में, अब यही अगर मैं कह दूं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, मैं की जगह क्या है, मैं जैसे कॉलेज की बात हो रही है, मैं मैच नहीं खेलता, चलो पहले हम शी के वह मैच नहीं खेलते कर ले, तो क्या हो जाएगा शी Does not play the match, right? ये वाला सेंटेंस हो जाएगा, मैंने पहले वाला बना दिया था कॉलेज वाला, सो अगर आपको ये वाला सेंटेंस बनाना है तो she does not play the match, she आ गया, उसके बाद does not आ गया, verb की first form आ गई and rest is object। अभी अगर she की जगह हम कह दें कि मैं मैच नहीं खेलता हूं, वह की जगह हम क्या कर दें मैं कर दें कि मैं मैच नहीं खेलता हूं या खेलती हूं,
तो उसमें क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब हम इस वाली लेन में आएंगे, आई वाली लेन में आएंगे, सो ये पॉजिटिव के रूल है, यहां नहीं रुकेंगे, ये नेगेटिव के रूल है। आई के लिए क्या है रूल, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो आई के बाद डज नॉट मीन लगेगा, क्या लगेगा, डू नॉट प्ले द मैच, वाले सेंटेंस को यूज करते हैं। सो आई डू नॉट प्ले द मैच, और अगर यही प्लूरल हो जाए, हम वी लगा दें कि हम मैच नहीं खेलते हैं, तो आप इस तरफ आ जाओगे, तो नेगेटिव के रूल प्लूरल में क्या है, अगेन डू नॉट, तो वी डू नॉट प्ले द मैच। कोई और एग्जाम्पल ले लो, क्या वह मैच नहीं खेलते हैं, ज्यादा है दे हैं अगर, तो दे के साथ भी डू नॉट प्ले द मैच, क्लियर। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि सिंगुलर के साथ डज नॉट अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ डू नॉट अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल के साथ भी डू नॉट अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम एग्जाम्पल, अब हम आ जाए इस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी जो हमने देखा है, ये डू और डज क्या है, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स, डू और डज क्या है आपकी, ये हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमारे मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे हमने कहा था कि शी प्लेज, शी डू नॉट गो टू कॉलेज, शी डू नॉट गो टू कॉलेज, तो गो हमारा मेन वर्ब है, उसमें जो डू है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी शी डज नॉट गो टू कॉलेज, तो उसमें क्या है, यस आई एम जस्ट चेकिंग यू, सो शी डजंट गो टू कॉलेज, तो डजंट मींस उसमें जो डज है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई डू नॉट गो टू कॉलेज, तो डू क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। एनी हाउ, सो अब इसमें क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है, डू और डज क्या हो जाएगा हमारा, शुरू में आ जाएगा। फिर लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एन एसवीओ फॉर्मूला। सो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा के सीधा एसवीओ फॉर्मूला लगा दो, राइट में क्वेश्चन मार्क का साइन डाल दो। अब इसमें क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट, डज के बाद सब्जेक्ट, इसमें लगती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, क्या वह अखबार पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। अब सेंटेंस हमें पता कि ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो हम पहले तो शी सिंगल है, हम पहले देख लिया कि ती है, स्टेप वन हमारा क्लियर हो गया। देन हमने देखा स्टेप टू शी सब्जेक्ट है, फिर हमने देखा एक क्वेश्चन है इस गली में आगे, फिर नाम ना पॉजिटिव पे रुकेंगे ना नेगेटिव पे, अब इस टाइम पे हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि हमारा हाँ यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो शुरू में क्या आ जाएगा, डज, क्योंकि शी सिंगुलर है, उसके बाद शी क्या है, क्या वह अखबार पढ़ती है, पढ़ने की क्या होती है, यस रीड, डज शी रीड द न्यूज़पेपर, एंड में क्वेश्चन मार्क। सो क्या आ गया, डज शुरू में आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज मेड, डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब यही हो जाए कि वह अखबार पढ़ती है की जगह आ रहे कि क्या वह की बजाय कहते हैं कि मैं क्या मैं अखबार पढ़ती हूँ, या क्या मैं अखबार पढ़ती हूँ। अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, तो आप सिंगल वाली गली में नहीं आएंगे, आई वाली गली में आएंगे, और आई के केस में इंट्रोगेटिव के रूल क्या है, ये पड़े हुए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डू आई रीड न्यूज़पेपर, राइट। सो डू आई, सॉरी अलार्म वाज देयर, सो डू आई रीड न्यूज़पेपर हो गया उस केस में। एंड लास्ट में अगर हम देख ले, आई की जगह अगर ये प्लूरल हो जाए, तो प्लूरल के केस में हम लगा लेते हैं, मैं की जगह कर लेते हैं, क्या मैं अखबार पढ़ता ही हूँ की जगह हम कर लेते हैं, क्या हम अखबार पढ़ते हैं, क्या हम अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो गया, हम आ गए, हम प्लूरल है, तो आप प्लूरल वाली लेन में आ जाओगे, तो प्लूरल में ये पॉजिटिव पे रूल है, यहाँ नहीं रुकना है, नेगेटिव पे नहीं रुकना, हमने कहां पे रुकना है, ये वाले पे, तो प्लूरल में भी क्या आ गया, डू, डू के बाद क्या आ जाएगा, वी सब्जेक्ट हो गया हमारा, डू वी रीड न्यूज़पेपर, एंड में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। सिंगुलर हो तो डज शुरू में,
आई हो और प्लूरल हो तो डू शुड में आ जाएगा। लास्ट में भी जस्ट आप अबाउट हमने किया था कि एक टाइप होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है उसमें यही रूल रहता है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि इसमें डज देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आई के केस में क्या आ जाता है, आई और प्लूरल के केस में डू, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सिंस इन दोनों के रूल कॉमन है इन दोनों में ये वाला रूल लगेगा। अब यही एग्जाम्पल है, क्या हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो प्लूरल है पहले तो डू आ गया, हम इधर आ गए प्लूरल वाली लाइन में, ठीक है डू शुरू में आ गया, वी डू वी नॉट सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद क्या लगना है नॉट रीड द एन डॉट पी न्यूज पेपर, एन पी स्टैंड फॉर न्यूज पेपर, एंड में क्वेश्चन मार्क, राइट डू वी नॉट रीड न्यूज पेपर, डू वी नॉट सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद नॉट, अगर यही हो जाता मैं हम की जगह आ जाता, क्या वह अखबार नहीं पढ़ती है, क्या वह अखबार नहीं पढ़ती है, तो अब क्या हो गया, अब वह सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगल हो गया, तो क्या आ जाएगा डज शुरू में आ जाएगा, डज शी नॉट रीड द न्यूज़पेपर, सो दैट इज बेसिकली डज शी के बाद नॉट रीड द न्यूज़पेपर। आई होप द टेंस इज क्लियर नाउ आपको, कि आप बस आपको अब क्या करना है, आपको क्या करना है ग्रामर की बुक उठानी है, उसमें से जितने ज्यादा हो सके प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव टाइप नेगेटिव टाइप इंट्रोगेटिव टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप उनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करो जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जस्ट फॉलो दीज फाइव गोल्डन स्टेप्स। अगर आपको आता भी है तो स्टेप वाइज चलो, एक बार आपको आदत पड़ गई स्टेप वाइज चलेंगी तो फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज संदीप महाजन, आई एम फ्रॉम एक्सेलसियर एकेडमी अमृतसर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो थोड़ा सा वीक है ग्रामर में, सो दैट उनको भी आइडिया हो जाए, वो भी अच्छे से कर सके इस पर्टिकुलर टेंस में, राइट। एंड अगर आपको कोई सुझाव है दैट यू कैन सेंड टू मी, मेरा नंबर है इसमें डिस्क्रिप्शन में, फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, राइट। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आगे हम जो भी वीडियो बनाए आपके लिए इंग्लिश ग्रामर पे यस या आईएलटीएस के ऊपर, तो वो आपके पास पहुंच जाए, आपको पता चल जाए, एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।